अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स क्या ऐसे होंगे। तो मैं आज फ्लैश माइक्रो मीडिया फ्लैश जो उसके सॉफ्टवेयर पे हमने लास्ट लेक्चर नंबर 21 तक काम कर चुके हैं, आज 22 तक इस पर हम काम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हमने काम करना क्या, फ्लैश डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लेते हैं। और मैंने आपको लास्ट का ओवरव्यू तक काफ़ी चीज़ें गाइड कर दी हुई हैं, इसकी प्ले लिस्ट बना के इसी वीडियो की जब खत्म होगी तो वहाँ आपको प्रॉपर प्ले लिस्ट इस चीज़ की मिल जाएगी। और हमने लास्ट टाइम इसमें काम किया था, इंसर्ट में रहते हुए ये सिंबल क्रिएट करना सीखा था। इसकी शॉर्टकट की से मैंने कंट्रोल F8 से काम किया था। मैं थोड़ा जूम करके आपको डिस्प्ले कर देता हूँ जी, कहाँ पे ऑप्शन है, ये इंसर्ट मेन्यू में जाके आपको ये ऑप्शन मिलेगी। तो इंसर्ट में जाके मैं न्यू सिंबल पर क्लिक कर रहा हूँ। अब इसके सिम्बल्स में क्या क्या काम है ये देखें, कुछ इसके सिम्बल्स में रहते हुए तीन तरह के सिंबल्स होते हैं इसके अंदर। पहला सिंबल होता है मूवी क्लिप, फिर होता है बटन, फिर ग्राफिक्स। और मैं बटन का लेक्चर इससे पिछली वीडियो में या उससे पिछली वीडियो में आई थिंक से पहले आपको बता चुका हूँ, तो इसलिए मैं आज मूवी क्लिप के ऊपर काम शुरू करूँगा। मूवी क्लिप इसका मैं नाम क्लिप रखूँगा, इससे मैं पहले नॉर्मल कर लेता हूँ, नाम रख सकते क्लिप, ओके कर लेते हैं। अब इस क्लिप में रहते हुए अगर थोड़ा जूम करके मैं दिखाऊँ आपको, तो ये ऊपर देखिएगा सीन वन का मतलब है वो नॉर्मल सीन, वो नॉर्मल स्टेज जहाँ पे हम काम करते थे। लेकिन इस क्लिप वन का मतलब ये होता है कि जो अभी मैं मूवी क्लिप में जा चुका हूँ, न्यू सिंबल में जा चुका हूँ, उसमें काम कर रहा हूँ। और ये जो प्लस का साइन है ये मेरे पॉइंटर का साइन नहीं है, मैं नॉर्मल करके दिखाता हूँ, ये मेरा पॉइंटर साइडों पर मूव हो रहा है। ये प्लस का साइन आपके स्टेज का सेंटर पॉइंट है जहाँ पर आपने प्रॉपर एग्जैक्ट काम शुरू करना होगा। अब इसमें काम मैं करना क्या चाह रहा हूँ और ये क्यों काम कर रहा हूँ, इसका मैं लेता हूँ यहाँ से। देखिए ये आपके लेफ्ट साइड के ऊपर स्ट्रोक कलर आ रहे होते हैं, कलर ना हो तो यहाँ से कलर चूज़ कर लेना कोई ना कोई आपने। और नीचे भी कलर आ रहा है, अगर इसका कलर नहीं रखना तो यहाँ से ख़त्म भी कर सकते हो, मुझे फ़िलहाल नहीं रखना। लेकिन मैं इसे डल कर दूँ, मैं रहने देता हूँ कलर को। मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं सिंपल सी बात एक सर्कल ड्रॉ करूँगा इस सेंटर पॉइंट में रहते हुए, और उसके बाद इसके अंदर बस क्लिक करो। ठीक है, क्लिक करूँगा, थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। ये देखें डॉट डॉट से बने हुए नज़र आ रहे हैं आपको। इसको मैं पकड़ के साइड पे कर लूँ या डिलीट कर दूँ तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, इस रही मेरी आउटलाइन। इसे क्लिक करके आप एरो की से एग्जैक्ट इसके सेंटर, बहुत बिल्कुल एग्जैक्ट ना भी हो लेकिन सेंटर पॉइंट पे लाने के बाद, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आती है हमारे पास फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। ये ऑप्शन आपको नज़र आ रही होगी जी, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल हमारे पास। तो आपने क्या काम करना है, इस ऑप्शन की वजह से इसके हम साइज़ की सेटिंग कर सकते हैं। तीन तरीके से इसकी सेटिंग की जा सकती है। एक, जब हम इसको शिफ्ट बटन दबा के खींचेंगे तो इसकी एक साइड से मूव होगा। अगर शिफ्ट नहीं भी दबाए, डायरेक्ट नहीं भी खींचे तो ये एक्चुअली में शिफ्ट वाला ही काम कर रहा होता है हमारे लिए, जैसे शिफ्ट काम करके देगा। दूसरी सेटिंग इसमें आ जाती है हमारे पास, आपने कंट्रोल का बटन दबा के से मूव करना है तो ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा होना शुरू हो जाएगा कुछ एंगल में, कंट्रोल जी कर लेता हूँ मैं। और तीसरा होता है ऑल्ट के बटन से, बस इसको आप करेंगे ना ट्रांसफॉर्म रीसाइज, तो ये चारों साइड इसकी इंक्रीज हो जाएंगी, तो यूँ काम करेगा। अब ये करना क्यों है, पहले छोटा बॉक्स बनाया ऊपर, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ 30, 40, 60 किसी भी फ्रेम पे क्लिक कर रहा हूँ। आपके सामने आपको नजर आ रही है फ्रेम्स हैं, यहाँ क्लिक किया, F6 प्रेस किया और देन आपने कीबोर्ड से ऑल्ट का बटन प्रेस करके इसको थोड़ा सा साइज इसका इंक्रीज कर लेना है, जैसे अंदाज में आपको दिल करता कर दीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे क्लिक करें दोनों के सेंटर वाले हिस्से में, ये देखिए ये दो पॉइंट हैं, इनके सेंटर में जहाँ ब्लैक पॉइंट बना है वहाँ मैंने क्लिक किया। तो क्लिक करने के बाद नीचे एक ट्वीन होती है मेरे पास, शेप ट्वीन, मैंने शेप ट्वीन अप्लाई कर दी। अप्लाई करने के बाद ये ऊपर जो आती है मेरे पास रेड कलर की बार, यहाँ से मूव करेंगे कुछ ही इसका रिजल्ट बना हुआ आ रहा है मेरे पास। ऊपर से सीन वन पर मैं वापस जा रहा हूँ, ये देखिएगा ये सीन वन लिखा आ रहा है और यहाँ से मैं सीन वन पर जा रहा हूँ वापस। अब यहाँ बात समझने वाली ये है, एक तो जैसे सीन वन में ये जो सारा किया करा काम था एक तो हो गया सब कुछ गायब, दूसरे नंबर पे ये काम किया क्यों हम लोगों ने, ये जब डायरेक्ट यहाँ पे भी तुम शेप ट्वीन लगा काम कर सकते थे। मूवी क्लिप का खास फ़ायदा क्या है, तो दोनों पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। एक तो इसका काम करने का फ़ायदा ये हुआ, ये हमारी राइट साइड पर लाइब्रेरी आ रही होती है, वो ये क्लिप नाम यहाँ देखेंगे, ये देखेंगे वो क्लिप जो लाइब्रेरी यहाँ अवेलेबल है, यहाँ आके सेफ महफूज हो चुके हैं, सेव हो चुके हैं। इसको आप यहाँ से पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, इसको यहाँ पे मूवी क्लिप ही बनाने का फ़ायदा क्या था, मूवी क्लिप का फ़ायदा ये है एक क्लिप रिकॉर्ड हो चुका है, इसको आप री यूज़ कर सकते हैं, बार बार कॉल कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिएगा। अब इस क्लिप को मैं बार बार इस्तेमाल कर सकता हूँ, जितनी बार आपका दिल चाहता है इस क्लिप को इस्तेमाल कर सकते हैं। समटाइम होता है आपको कोई ऐसी इफेक्ट की चाहिए होती है जो एक चीज़ बार बार वर्किंग कर रही होती है, सपोज बारिश का गिरना,
वो एक बूंद जब नीचे गिरती है फिर फैलती है, तो वैसा कुछ इफेक्ट अगर बना, जैसे मैंने काफ़ी ज़्यादा कर दी है। अब इसे मैं कंट्रोल एंटर करके चेक कर रहा हूँ, तो ये देखिएगा जी, तो एक ही एनिमेशन को बार बार इस्तेमाल करने के लिए मूवी क्लिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट बड़े अच्छे से समझ आ गया कि मूवी क्लिप का इस्तेमाल हमने करना क्यों है और ये क्या चीज़ है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आम स्टूडेंट्स को मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।